हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल में डिजिटल क्लॉक कैसे बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सेल को मैं रेजोल्यूशन इसका बड़ा कर देता हूँ। अब जैसे बी कॉलम मेरे को टाइम देना है, ए कॉलम में डेट, फिर फोर्थ रो में मेरे को डे और सिक्स में मंथ नंबर देना है, राइट। तो इसके लिए मैं पहले मैक्रो इनेबल कर लूँगा और मैक्रो में लिखूँगा सब। ठीक है, सब के बाद यहाँ पे मैक्रो का नाम दे देता हूँ मैं कोई भी। जैसे मैंने लिखा माई क्लॉक, माई डिजिटल अंडरस्कोर क्लॉक, ब्रैकेट्स, ठीक है, एंटर दबाएंगे। उसके बाद रेंज हमें डिफाइन करनी है, तो यहाँ लिखेंगे रेंज। ठीक है, अब जिस सेल में हमें टाइम लिखना है उसमें वो रेंज हम बताएंगे, यानी बी में सेकंड सेल, तो यहाँ पे डबल कोट्स में लिखेंगे बी टू, ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू नाउ, फिर एंटर। ठीक है, थर्ड रो में लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम के बाद लिखेंगे नाउ प्लस टाइम वैल्यू, फिर ब्रेक टाइम वैल्यू के बाद ब्रैकेट में डबल कोट्स में डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो, फिर डबल डॉट के बाद 01 कोट्स एंड ब्रैकेट बंद कॉमा। ठीक है, अब फिर डबल कोट स्टार्ट करेंगे और इसमें जो मैक्रो का नाम हमने ऊपर दिया है इसको कॉपी करके कॉमास के बीच में पेस्ट कर देंगे, राइट। अब ये जो है मैं जो कोड है पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ग्रीन बटन दिख रहा है, यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हो टाइम जो है कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, जिसमें डेट और टाइम भी दिख रहा है। फॉर्मूला बार में देख सकते हो रियल टाइम आ रहा है। फॉर्मेट सही करने के लिए करेंगे कंट्रोल वन, देन टाइम में जाके ये कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो टाइम का, मैं इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो टाइम कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब ए टू कॉलम में हमें डेट दिखानी है, तो लिखेंगे इक्वल टू नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो अब डेट भी कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसके लिए करेंगे कंट्रोल वन और कस्टम में जाके यहाँ पीछे से ये फॉर्मेट को डिलीट कर देंगे, आवर्स एंड मिनट्स वाले को, तो यहाँ पे सिर्फ डेट रह जाएगी। तो अब डेट भी आ गई, राइट, करंट डेट। अब थर्ड रो में हमें डे सेलेक्ट करना है, तो डे शो करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू नाउ, इसमें भी डेट वाला फॉर्मेट ऐसा आ रहा है, तो इसमें कस्टम में जाके ये पूरा डिलीट करके डी डी डी, तीन बार डी डी प्रेस करेंगे तो एस यू एन आ जाएगा, और फोर टाइम करेंगे तो पूरा संडे शो करने लग जाएगा। तो डे भी कुछ इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, अब बारी है मंथ नंबर की, यहाँ लिखेंगे मंथ नंबर, ठीक है, यहाँ नीचे फॉर्मूला लगाएंगे मंथ का, इक्वल टू मंथ, ठीक है। अब सीरियल नंबर में डेट सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद, 9 आ गया, तो 9 यानी अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो सितंबर 9th पे आ गया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट में कुछ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मेड बाय चैनल का नाम अपने क्विक एक्सेल नॉलेज, राइट, तो यहाँ पे लिख दूंगा मेड बाय क्विक एक्सेल नॉलेज। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, अब इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ये दोनों सेंटर में आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने इसके लिए जो है फॉर्मेट जो है इसके फॉन्ट जो है डिजिटल क्लॉक वाला इसमें सेलेक्ट कर रखा है, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं मिलेगा। वो फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो डिजिटल फॉन्ट में आपको ये टाइम और डेट शो हो रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, तो आप देख सकते हो डेट टाइम
और डिजिटल क्लॉक पूरा कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। ठीक है, साइज चेंज कर दें आप अपने हिसाब से, तो अब डेट भी प्रॉपर तरीके से आ गई, मंथ भी आ गया, ठीक है, डे भी शो कर रहा है और टाइम भी शो कर रहा है। आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेव एज़, कोई भी डेस्टिनेशन फोल्डर पे आप जाके इसको सेव कर दें, कुछ भी नाम आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे सेव एज़ टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आ रहा है, जिसको मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में सेव करना है। यहाँ से सेव करके और ऊपर से क्लोज करके इसको सेव कर देंगे। अब चलते हैं माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में, जहाँ पे ये मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल जो है सेव हुआ है, इसको ओपन करते हैं फिर से। ओपन होने के बाद यहाँ से इनेबल कंटेंट करेंगे, तो आप देख सकते हो टाइम जो रन कर रहा था वो अभी नहीं कर रहा है रन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बटन जो है असाइन कर देंगे। यहाँ पे शेप मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, सपोज ये शेप ले लिया, शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, और फिर इसको राइट क्लिक करके कुछ भी नाम दे लेता हूँ, जैसे रन क्लॉक, इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते थोड़ी अपने हिसाब से। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कलर, फॉन्ट और जो है साइज़ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से इसको चूज़ कर लिया, और फॉन्ट में दे देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, कलर इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब क्या करना है, वो राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करना है। असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो जो हमने मैक्रो बनाया था इसको सेलेक्ट करके और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब इसको वापस यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो रियल टाइम जो है वो शो करने लगा है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है रियल टाइम बेसिस पे डिजिटल क्लॉक जो है एक्सेल में बना सकते हैं। फॉन्ट का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और मैक्रो का कोड मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में वो भी प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।